काला जामुन सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई में से एक है। इसे काला जाम भी कहते हैं। काला जामुन और गुलाब जामुन एक ही तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन काला जामुन की बाहरी परत हल्की सख्त और गहरे रंग की होती है। यह बाहर से सख्त और अंदर से ड्राई फ्रूट्स और रस भरे होते हैं। आवश्यक सामग्री इंग्रेडिएंट्स फॉर काला जामुन। गुलाब जामुन, खोया 2 कप, 400 ग्राम पनीर, 125 ग्राम या आधा कप मैदा, आधा कप ऊपर तक भरा हुआ, 75 ग्राम चीनी, 1 किलो, 4 कप ऊपर तक भरे, सूजी 1 टेबलस्पून, 10 ग्राम काजू 6 to 7 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए, बादाम 6 to 7 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए, चिरौंजी 1 टेबलस्पून, इलायची 4 दरदरी कूटी हुई, फूड कलर 1 पिंच, बेकिंग पाउडर 1/4 छोटी चम्मच की। काला जामुन तलने के लिए विधि। हाउ टू मेक काला जामुन। पनीर को प्लेट में निकाल कर क्रम्बल कर लीजिए। इसमें सूजी और बेकिंग पाउडर डालकर मसल मसल कर अच्छे से मैश कीजिए। पनीर सॉफ्ट हो जाने पर इसमें खोया और मैदा डालकर मिला दीजिए और हथेली की मदद से इसे अच्छे से मसलते हुए नरम कीजिए। मिश्रण के अच्छा नरम होने पर गोले बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। स्टफिंग बनाएं। स्टफिंग के लिए चिरौंजी, बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटे हुए बादाम, दरदरी कूटी हुई इलायची और 1 छोटी चम्मच चीनी डाल दीजिए। अब खोया पनीर के मिश्रण से 2 चम्मच मिश्रण स्टफिंग में डालकर अच्छे से मिला दीजिए। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिलने तक मिला लीजिए। चाशनी बनाए। एक बर्तन में 1 किलो चीनी और 1/2 लीटर पानी मिलाकर आग पर चाशनी बनने के लिए रखिए। चाशनी में जब उबाल आ जाए चीनी पानी में घुल जाने तक पकाएं। चाशनी के घोल से लेकर 1-2 बंद प्लेट में टिपकाएं। अंगूठे और अंगुली के बीच चिपका कर देख लीजिए। चाशनी उंगली और अंगूठे के बीच चिपकनी चाहिए। चाशनी बनकर तैयार है। गैस बंद कर दीजिए और चाशनी को उतार कर स्टैंड पर रख दीजिए। काला जामुन बनाकर तलिए। कढ़ाई में घी डालकर गरम कीजिए। जामुन तलने से पहले टेस्ट कीजिए कि कहीं काला जामुन फट तो नहीं रहा है। मिश्रण से थोड़ा मिश्रण लेकर गोल कीजिए और उसे गोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तलने के लिए मीडियम गरम घी में डालिए और घी को काला जाम के ऊपर उछालते हुए और काला जाम को घुमाते हुए उसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। अगर यह काला जामुन घी में बिखरता है तो मिश्रण में थोड़ी मैदा और मिला दीजिए ताकि यह काला जामुन तलते समय बिखरे नहीं। पहले एक काला जामुन तल कर मिश्रण चेक करना सही रहता है। मिश्रण को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। एक टुकड़ा उठाए हाथ पर रखिए और उसे थोड़ा चपटा कर लीजिए। थोड़ी सी स्टफिंग उसके ऊपर रखिए और मिश्रण को सारी ओर से उठाकर बंद कर दीजिए और दोनों हथेलियों की सहायता से उसे अच्छा गोल कीजिए। प्लेट में रख दीजिए। इसी तरह 10-15 गोले बनाकर तैयार कर लीजिए। तैयार गोलों को कढ़ाई में डालें और तलें। गैस की फ्लेम धीमी रखें। घी मीडियम गरम हो। काला जामुन को तलते समय उस पर कलछी न लगाएं बल्कि गरम गरम घी उस पर कलछी से डालें और हल्के ब्राउन होने तक इन्हें धीमी आंच पर तलें। जब यह ब्राउन हो जाए तब इन्हें डार्क ब्राउन करने के लिए आग तेज कर दीजिए और ऊपरी डार्क ब्राउन होने तक जामुन को थोड़ी देर और तल लीजिए। तले हुए काला जामुन कढ़ाई से निकाल कर चाशनी में डुबा दीजिए। इसी तरह सारे मावा के गोले बनाकर तल कर चाशनी में डालकर डुबा दीजिए। तले हुए काला जामुन को चाशनी में 2-3 घंटे तक डूबे रहने दीजिए। काला जामुन मीठा रस सोख कर मीठे और स्वादिष्ट हो जाएंगे। तब इन्हें खाया जा सकता है, पर इनका असली स्वाद दूसरे दिन आता है जब रस पूरी तरह से इनमें समा जाता है। काला जामुन को बाहर रखकर 8-10 दिन और फ्रिज में रखकर 15-20 दिन तक खाया जा सकता है।